खोल रहे हैं एक दिसंबर से सभी स्कूल खोल दिए जाएंगे प्ले वे से भी लेकर नहीं प्ले वे तो नहीं पहली क्लास से लेकर बारहवीं क्लास तक के जो स्कूल हैं जो हमारे बाल पचास परसेंट कैपेसिटी के साथ चल रहे थे तो अब हम उनको सौ परसेंट कैपेसिटी के साथ उनको शुरू कर रहे हैं जी। और पूरे टाइम के लिए शुरू कर रहे हैं तो ये सारे स्कूल खोले जाएंगे और मिड डे मील जो बंद था स्कूलों में मिलता था नहीं मिड डे मील अभी नहीं एक जनवरी से मिड डे मील भी शुरू कर देंगे कॉलेजेस uh, भी uh, क्योंकि पढ़ाई सबकी ही प्रभावित हुई कुछ एडमिशन भी नहीं हो पाए क्या किसी तरीके का निर्णय ले रहे हैं आप हाँ नहीं कुछ स्टूडेंट जो है वो एडमिशन लेने से जो वंचित रहे तो उन्होंने हमारे साथ हमारे से हमारे से बात की थी हुँ. और हमने निर्णय लिया कि 16 से लेकर 22 नवंबर तक जो पोर्टल है वो एडमिशन के लिए हम खोलने जा रहे हैं हुँ. और जो तो बच्चे उसमें रह गए थे तो उनका एडमिशन हो सकता है हुँ. तो ये विश्वविद्यालय में कॉलेज में हर जगह हाँ बिल्कुल सभी जगह और सुपर हंड्रेड एक कार्यक्रम का आप लेकर आए थे उसमें किस तरीके के नतीजे रहे आप काफी उत्साहित दिख रहे थे बताते हुए देखिए सुपर हंड्रेड से काफी लाभ हमें हुआ है और अभी हमारा दूसरा ही साल है ये पिछली बार भी हमारे बहुत अच्छे संख्या में हमारे बच्चे जो थे आई टी आई में आई में उनका एडमिशन हुआ था और अब की बार भी अट्ठाईस बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनका आई आई टी में एडमिशन हुआ और अभी नीट का रिजल्ट आया तो उसमें भी 24 बच्चे हमारे सिलेक्शन हुई है और सात बच्चे जो हैं हमारे मेरिट होल्डर हैं जिनका एडमिशन जो है एम्स में होगा तो ये बड़ी भारी की उपलब्धि है और वायु प्रदूषण के चलते कुछ स्कूल्स बंद किए गए हरियाणा के एन के साथ लगते हुए किस तरीके की अभी स्थिति है और आगे क्या रहने वाला है देखिए इसके लिए पूरी तरीके से वास्तविकता में तो दिल्ली जिम्मेदार है कि दिल्ली में जिस प्रकार से पॉल्यूशन की स्थिति जिस प्रकार से बनी हुई है तो उससे एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो सभी के लिए है क्योंकि हम दिल्ली से बिल्कुल टच हैं तो निश्चित तौर से जो हमारे जिले हैं वहाँ वो भी प्रभावित हो रहे तो हमारा भी फरीदाबाद गुड़गावा जज्जा रोहतक चार जिले ऐसे हैं जो बिल्कुल टच हैं दिल्ली के साथ तो वो भी प्रभावित हैं और उसकी वजह से उनके भी स्कूल हमने बंद किए एक क्योंकि कोरोना के चलते भी काफी नुकसान हुआ पढ़ाई का दूसरा शिक्षक नहीं है स्कूलों में और विपक्ष के निशाने पर भी आप लोग रहते हैं कि भर्तियाँ आप लोग नहीं कर रहे हैं क्या स्थिति है कब तक ये भर्तियाँ आप कर देंगे जो खाली पढ़े शिक्षकों के पद हैं देखिए उसके लिए एच को भी हमने लिख दिया और एसएससी को भी मैंने लिख दिया और जितने पद खाली हैं उनके लिए हमने लिखा है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी शायद उनकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर देंगे प्रॉपर भर्ती जो पूर्ण रूप से होती है या फिर आउटसोर्सिंग के तहत नहीं प्रॉपर भर्ती जो जो एसएससी है वो तो प्रॉपर भर्ती करेगी एच पी प्रॉपर भर्ती करेगी कॉन्ट्रैक्ट वाले तो एक अलग तरीके से होता है तो वो प्रॉपर भर्ती करेंगे और सूरज कुंड का मेला आ रहा है और पिछले कुछ सालों से नहीं हो रहा था कोरोना के चलते अभी क्या स्थिति है कब से होगा कितने दिन चलेगा देखिए कोरोना की वजह से जिस प्रकार से मिलने का आयोजन नहीं किया गया किया गया उसकी वजह से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े लोग थे तो काफी प्रभावित हुए अब की बार कोरोना पूरी तरीके से कंट्रोल में है और सरकार ने निर्णय लिया है कि चार फरवरी से बीस फरवरी तक जो सूर्य मेला है उसका आयोजन किया जाएगा और उसमें हमारा